हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बोलो बोलो गुड मॉर्निंग, बोल वेलकम बैक टू। एक्चुअली गुल्लू खा रही है सैंडविच। आज है सैटरडे और सैटरडे संडे गुल्लू की छुट्टी है। उधर बंसल जी भी पीछे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में बनाया है पनीर सैंडविच गुल्लू को, और चटनी भी लगाई है। गुल्लू नहीं खाती तो गुल्लू को सिर्फ पनीर का छोटा सा सैंडविच दिया। देखो खा रही है नहीं खा रही उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी लाइफ है। हम बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इवन हम बड़ों की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। बच्चे तो बहुत दूर की बात है। बोला तो वैसे मैंने कुछ कुछ क्या क्या बोला है उल्टा सीधा, मुझे खुद को भी नहीं पता। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। क्या क्या करेंगे? मेरी चाय। तो गाइस ये देखो मेरी चाय का हाल। ब्लॉग स्टार्ट करने के चक्कर में, देखो इधर गिर गई। ब्लॉग स्टार्ट करने के चक्कर में मेरी चाय की बैंड बज गई और इधर मेरे सैंडविच की भी बज गई। सैंडविच तो बच गया। चलो कोई नहीं, होता रहता है। तो मिस हैपनिंग किचन में मेरे साथ। इधर हम हो चुके हैं रेडी और एक दो काम है पेंडिंग, जो आज है बंसल जी की ईद की छुट्टी तो वो करने जा रहे हैं। तो गुल्लू भी रेडी हो चुकी है। हाँ चलो आप चलो चलो चलो, मम्मा आ रही है। पहनते में चप्पल कहाँ है ये री? ये आ जाओ, जा गुल्लू, ये लो। ओके बाय मम्मी। सुनो अभी इसको कुछ नहीं खाने। बाहर के हालात जो है वो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी जाम है। बस जा रहे हैं अभी। हेलमेट एक्चुअली मेरा ना वो प्रॉब्लम करता है, इसलिए अब आगे जाके हेलमेट वाला भैया होगा तो वहाँ से हेलमेट खरीदेंगे। बंसल जी ने तो लगा रखा है। और मेरा सर जो है ना दर्द करने अभी से लग गया है इतनी धूप में। मेरे को बिल्कुल भी धूप की आदत नहीं रही है और तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो चल रहे हैं, देखते हैं कहीं हेलमेट वाला भैया भी मिल जाए। गाइस बंसल जी आए हैं द डेंटल क्लिनिक। आर यू ओके बंसल जी? आर यू ओके? आई एम मेकिंग अ वीडियो। गाइस बंसल जी की रूट कनाल हो चुकी है और हम बिल्कुल डॉक्टर के पास ही था ये एम्बियंस मॉल। तो हम आ गए हैं वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियर और मतलब मुझे इसका एम्बियंस अभी बाहर से इतना ज़बरदस्त लग रहा है कि अंदर का तो पूछो ही मत क्या होगा भाई। इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त लड़कियाँ, क्या वर्ड यूज़ करते हैं जितने भी लड़के हैं प्लीज़ कमेंट बिलो। ज़बरदस्त लड़की है, क्या बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं। और हम आए अपने नॉर्मल जीन्स टॉप में और इधर जा रहे हैं हम पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाने। और मतलब अपने पास तो स्कूटी है तो हमारे पास तो यही फोर व्हीलर है। यहाँ पे भी पैसे देने पड़ेंगे 10 रुपये घंटा। गैस बंसल जी की रूट कनाल कितने की हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप चाहते हो पूछना। मतलब ज़बरदस्त हुई है। और इनकी क्या हुई है फीलिंग? एक टीथ में हुई है फीलिंग, एक में हुई है रूट कनाल। तो अगर आप जानना चाहते हो कि बंसल जी की कितनी हुई है तो डू अ कमेंट, आई विल गिव यू द आंसर। ये देखो ये है मॉल। और भाई कौन सा शोरूम यहाँ पे नहीं है? नवस्या। ओह नाइस, इधर बैठ जाओ आप। और ऋतु कुमार का भी है भाई, ग्रीन वेज भी है, रैन सेल भी है। आओ बंसल जी के लेसेस लो, पकड़ना मैडम। तो हे गाइस, इतने सारे हम आउटलेट्स में गए भाई। यहाँ के आउटलेट एक तो बाकी वाले आउटलेट्स से सारे डिफरेंट है। डी कैथलॉन चलते हैं,
सारे आउटफिट मतलब सारे आउटलेट्स जो है वो डिफरेंट है, कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नहीं मेरे को नहीं चाहिए आज। और अब हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, कपड़े बहुत कॉस्टली है, आउट ऑफ माई रेंज, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ से कुछ शॉप नहीं किया। बट अब स्टॉपर स्टॉप एक आधे अपने अपने वाले ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, जिससे अपना सस्ता टिकाऊ वाला माल देखते हैं। तो लेट्स सी, अगर शॉपर स्टॉप भी है ना वो भी डिफरेंट है। हाँ वहाँ का क्या कहते हैं उसका माल डिफरेंट है। गाइस फाइनली हम जा रहे हैं कुछ कुछ खाने, मुझे लग रहा है बहुत सोनू मेरा फेवरेट होम सेंटर। हाँ यहाँ का होम सेंटर भी देखते हैं कैसा है। पहले कुछ खाने थे फिर देखते हैं। अच्छा ये मैकडी भी ये पीछे ही है, बट ये जाएंगे कैसे हम उस साइड? इधर से। ओह माय गॉड टू मच ऑफ क्राउड। सो गाइस ये है प्ले जोन, आपको मेरी आवाज़ कम ही आ रही होगी यहाँ पे। काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों ने लिया है सबवे और हमें मिली। एक्चुअली फूड कोर्ट बेकार नहीं है, भीड़ ज़्यादा है। भीड़ कितनी ज़्यादा, वो सिटिंग एरिया होना चाहिए। कितनी ज़्यादा करें, और वैसे भी वीकेंड है। सही जब अब हम यहाँ पे आ गए हैं शॉपर स्टॉप पे, तो देखते हैं गुल्लू के लिए कुछ अगर हमें नज़र आएगा तो शॉपर स्टॉप में, अपने लिए तो देखते हैं अपने लिए भी कुछ। मॉल के बाहर ये लगे हुए हैं सारे स्टॉल्स, और दी स्टॉल्स आर वेरी नाइस बट अ लिटल बिट ऑफ एक्सपेंसिव। सो प्राइसेस अगर आप देखोगे ना, एक से बढ़कर एक है बट एक्सपेंसिव। गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं घर पर। भाई बंसल जी मुझे इतने महंगे पड़ते हैं ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत महंगे पड़ते हैं बंसल जी। अब बंसल जी ने मेरा बहुत कुंटा करा दिया। अच्छा तो कोई नहीं, चलते हैं यहाँ से राइड लेना। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं इंडिया गेट और नाउ वी आर हेड टू पार्किंग। ये पार्किंग कहाँ मिलेगी? और आज इंडिया गेट फुल मतलब फुल भरा हुआ है। एक तो आज ईद है, दूसरा आज हॉलीडे है, तो मतलब इतना हाँ वही हॉलीडे है, वीकेंड है। तो ये देखिए पीछे मतलब इतना मज़ा भी आ रहा है और पार्किंग ढूंढ रहा है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे अल्लाह ने राहत बरसाई है अपनी, और बारिश हो रही है। देखो मेरे नाक पे एक बूंद आई है, दूसरी बूंद भी आई है मेरे ऊपर, तो अच्छी बात है। ये ईद वाले दिन अल्लाह की रहमत बरसी है सब पे। तो चलो पार्किंग में लगाते हैं अपनी स्कूटी और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं इंडिया गेट पर और यहाँ पर बारिश होनी चालू हो चुकी है। बंसल जी तो तुम दिख नहीं रही हो, तुम्हारा ही ब्लॉग है, तुम ही दिखती रहती हो ब्लॉग के अंदर। दिखती ही नहीं हूँ। अच्छा मैं तो दिखती हूँ। लग रहा है ना इतना अच्छा, आज आपने मेरा दिन बना दिया, आज आपने मेरा दिन बना दिया। हम लोग पहुँच गए और अभी तक आज मीनू दीदी की फैमिली ने आना है, इधर सब ने आना है और सारे के सारे लाइन में खड़े होंगे क्योंकि आज है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा। तो चलते इतना थोड़ा सा हम लोग इन्जॉय करते आओ हस्बैंड वाइफ। आप यहाँ आए किस लिए? घूमने। आपने बुलाया किस लिए? अच्छा ऐसे बोलना था। Obviously गाना है ये, सुनो। अच्छा मैंने सुना ही नहीं। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया किस लिए? आए है तो काम भी बताइए, पहले कर आप मुस्कुराइए। जरा एक बार ठुमका हो जा। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, है पैसा मिलेगा तेरे को पैसा। एक मोटा हाथी जमीन पे पड़ा, पत्तियों के आसपास देखने लगा, इतने में उसके चींटियां आई, चींटी आई। सही में आ गई सुनो। फिर उसने दूसरे हाथी को बुलाया और दूसरे हाथी ने सारी चींटियां भगाई।
वाह मेरी बेटी आ रही है। गुल्लू को ऐसे यहाँ पे बिठाना बहुत रिस्की है, मुझे सारे आइसक्रीम वाले दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, साथ 10 रुपए ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर गर्ल्स हेड मसाज 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए ओनली फॉर गर्ल्स हेड मसाज 10 रुपए, 10 रुपए। हाय गाइस, मम्मी 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 कर रही थी। दीदी नमस्ते, जीजू नमस्ते, नमस्ते बेटा, कहाँ हुआ बाबू? देखो मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई, देखो बिल्कुल मैं बिल्कुल याद नहीं आई है। पहले खाना ले लो। तका दबा भाई, ये नहीं बता सकती मैं, बहुत पैसा है। गुल्लू रोटी खा ले पहले घर। गाइस यहाँ पे सब ले। गुल्लू आओ, कुछ खा के आइए। गुल्लू नकुल कुछ खा के आइए। थोड़ा सेब खाया था मैंने, खाया था मेरे साथ। तो इनका कपूतर इधर सारे के सारे लगे पड़े हैं खेलने के लिए, और गुल्लू अपना खेलने के लिए लगी पड़ी है। सुबह उठ गए ना, मतलब हम ऐसे थे, ये कैंप पे हमारे कैंपिंग करने गए। यही है मम्मा, भैया इधर ही पास पास ही रखो। हाँ चप्पल नहीं पहन रखी मैंने तो, मेरे को भी भगा हो गया आप तो। मम्मा चल 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 चल, वाओ चलो चलो चलो, कितने चक्कर मरवाते हो। चलो चलो चलो, गाइस इधर हम लोग खा रहे हैं बुढ़िया के बाल, मतलब मैं नहीं खा रही, गुल्लू खा रही है। और उधर बंसल जी जो है वो आए हैं, गौरव भैया, उनके साथ 2-4 चक्कर मार रहे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं। इधर सारे इधर नोकझोंक वाले इधर खेल रहे हैं, गर्ग फैमिली इधर खेल रही है, रिया गर्ग फैमिली, और इधर खेल रही है गोयल फैमिली नोकझोंक वाले।